सुबह कॉलेज के नजदीक सुल्तानपुर मोहल्ले में इसी रास्ते से होकर कॉलेज की लड़कियों का आना जाना है। शुक्रवार को यहां एक मकान से 5 महिलाओं को जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुखबिरी मिली तो यहां कम उम्र के युवा और छात्र इनके चुंगल में फंसकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस मकान में सास और बहू मिलकर सेक्स रैकेट चलाती हैं। इनके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बरामद की गई महिलाओं का मेडिकल करवाया गया। शुक्रवार को थाना प्रभारी प्रशांत ठाकुर की अगुवाई में पुलिस की टीम ने सुल्तानपुर में रेड डाली। इस दौरान 5 महिलाओं को धंधा करते हुए पकड़ा गया। सास बहू ने जिस्म फरोशी की कई लड़कियों को रखा था। मौके से भारी मात्रा में कॉन्डम और शराब भी बरामद किया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस का एक सिपाही सादे कपड़े में ग्राहक बनकर गया। उसे 500 के 4 नोट दिए और उनका सीरियल नंबर नोट कर लिया गया। योजना के मुताबिक सिपाही की मुलाकात सास बहू से हुई और उसने कमरे में ले जाकर लड़की दिखाई। रेट तय होने के बाद सिपाही ने पैसे दिए। आश्वस्त होने के बाद सिपाही ने आसपास तैनात पुलिस टीम को इशारा कर दिया और सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि सुल्तानपुर में 5 महिलाओं को देह व्यापार का धंधा करते हुए गिरफ्तार किया गया है। सास बहू इस धंधे को चलाती थी। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और पुलिस ने मामले में गंभीरता से जांच करनी शुरू कर दी है।